कोतवाली पुलिस व स्वाट टीम की चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने दो अभियुक्तों को 72 किलो 600 ग्राम नजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। इसका खुलासा कोतवाली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्षेत्राधिकारी मधुबन श्वेता आशुतोष ने किया। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में स्वाट टीम प्रथम एवं कोतवाली पुलिस को शुक्रवार को शाम 5:50 पर तब अहम सफलता प्राप्त हुई जब स्वाट टीम प्रथम एवं कोतवाली पुलिस इलाहाबाद मोड़ रेलवे क्रॉसिंग के पास बोलेरो वाहन से 58 किलोग्राम तथा सेवर लेट स्पार्क कार से 14 किलोग्राम 600 नजायज गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त गाजीपुर जनपद के थाना नौनारा क्षेत्र के चकदाऊद पुर निवासी रामजी यादव पुत्र रामपति यादव व रामाश्रय मिश्रा पुत्र अवतार हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसमें से 72 किलो गांजा बरामद किया गया है। बोलेरो से कुल 58 किलो गांजा बरामद किया गया है और सेवरले स्पार्क से 14 किलोग्राम और 600 ग्राम गांजा मिला है। इनके दोनों जो चालक हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं तत्काल मौके पर। रामजी यादव और राम अवतार मिश्रा, ये दोनों गाजीपुर के रहने वाले हैं।